भाई अगर आपके पास इस तरीके का एक खराब बल्ब है जो कि वर्क नहीं करता है, खराब हो गया, तो आप इसे फेंको मत, आप इसे इमरजेंसी फैन बना सकते हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो इसे बनाना सीख लेते हैं। भाई देखो, मैं आपको शुरू में बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक खराब बल्ब की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये बल्ब आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ में से इसका जो फिलामेंट होगा या एलईडी होगा, उसमें से हमें इसे रिमूव करना है और इसे पूरी तरह से खाली कर लेना है। अब हम बनाएंगे इसे पोर्टेबल साइज का, यानी मिनी साइज का। तो यहाँ पर मैं लूंगा एक मोटर, और ये मोटर आप तो पहचान ही चुके होंगे कि ये हमारा डीसी मोटर है जो कि टॉय पर निकल जाता है इजिली से। आपको लोकल मार्केट में भी 10 से 12 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। अब इसके साथ एक प्रोपेलर भी यूज कर लेंगे। तो प्रोपेलर मेरे पास काफी सारे हैं, तो मैं ये बड़ा वाला प्रोपेलर यूज करने वाला हूँ, जिससे इसकी जो एयर होगी वो भी काफी ज्यादा मिलेगी और हम इसे अच्छी तरह से यूज भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले दो काम करने हैं। एक तो हमें यहाँ पर मिडिल में एक होल करना है जिसके थ्रू हम इस मोटर को फिक्स कर सकेंगे। तो चलो मैं होल करके ले आता हूँ। कुछ इसी तरीके से होल आपको भी करना है जैसा मैंने किया है, सेम करना। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप इस पर होल करोगे तो ये पूरी तरह से मिडिल पर आना चाहिए। अगर ये साइड पर लगाते हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम पड़ेगा, क्योंकि होल्डर जो होते हैं वो सब सेम नहीं होते, अलग अलग टाइप के ही होते हैं और अलग अलग एंगल पर लगे हुए होते हैं। इसलिए आपको इस पर सेंटर पर ही करना है, जिस तरह की कहीं पर भी अगर लगाओगे तो ये फिक्स बैठ जाएगा। अब जो मोटर है, इस मोटर को हमें इसके अंदर पर लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है वो हमें करना होगा। वायरिंग के लिए यहाँ पर मैं छोटा सा कॉपर वायर यूज करने वाला हूँ और इसे यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। आबार मैं नहीं बोलूंगा डायरेक्शन के लिए, आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव देखना, वो सब बाद में होगा काम। बस इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसे वायर को सोल्डर कर देना है। देखो वायर को मैंने सोल्डर किया, अब इस पर हमें इसे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका जो होल है वो काफी छोटा है और आपको यहाँ पर इसे फिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसे थोड़ा सा अगर प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर लग जाएगा, और आपको होल भी ज्यादा बड़ा नहीं करना है ना ज्यादा छोटा करना है। मैं तो बोलूँगा आप कोशिश करना कि आप इसे पूरा फिक्स रखो। वैसे फिक्स तो मुश्किल लगता है आप लोगों को करना में। अब देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये पूरा सामने है, मतलब बाहर निकल चुका है, तो ये बिल्कुल गलत हो आप लोग। ये देखो ये अंदर साइड में ही है। अब यहाँ पर हमें फेविक्विक की सहायता से इसे चिपकाना होगा। ग्लू स्टिक मत लगाना, क्योंकि ये मोटर काफी गर्म होगा क्योंकि अंदर में ये रहेगा। तो यहाँ पर हम इसे फेविक्विक की सहायता से इसे चिपकाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे भी चिपकाया, और इसे चिपकाने में मुझे लगभग 5 मिनट का समय लगा। वैसे देखने में लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोपेलर के लिए शाफ्ट है, इस शाफ्ट को आपको आप काफी देखते हुए लगाना पड़ेगा। और मैं क्या यहाँ पर इस पेन के थ्रू मैं लगा रहा था, क्योंकि फेविक्विक यहाँ पर नहीं आएगा, तो साइड पर लगाने के लिए मैं पेन का यूज किया हूँ। आप थोड़ा सावधानी से करना, क्योंकि आपके पास बजट नहीं होता है और आप इसे इस तरह इस प्रोजेक्ट को बनाओगे तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो वायर जो है उसे मैंने यहाँ पर छीन लिया है। अब इसका जो कवर है, यानी कि ये वाला कवर है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये वाला प्लास्टिक का कवर है। अब यहाँ पर अगर हम सोल्डर करेंगे तो ये हमारा मेल्ट हो जाएगा, यानी कि ये खराब हो जाएगा, और यहाँ से जो सोल्डर वायर है वो आपस से नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर दो क्लिप मैं यूज करने वाला हूँ, दूसरे बल्ब से मैं निकाल करके लाया हूँ ये वाला। देखो कुछ इस तरीके के इस पर आपको क्लिप मिल जाएंगे देखने को। तो इस वाले क्लिप को यहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वायर को इससे पास करेंगे। तो वायर को पास करना काफी ईजी है, बस इसे थोड़ा सा यहाँ पर वायर को इस तरीके से फोल्ड करना है हल्का सा, और इसे हमें डायरेक्ट यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से लगा देना है। जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम आपको भी इसी तरीके से लगाना है। चलो मैं इसे भी कर लेता, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग वरना बन जाने वाला है। क्यों ना इसे मैं पहले कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा क्यों ना आपको दिखा दूँ, क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो वायर को यहाँ से मैंने बीच से निकाला है, अब इसे मैं यहाँ पर फोल्ड कर देने वाला हूँ। किसी तरह भी फोल्ड कर सकते हो, मैं एक इधर और एक इधर कर देने वाला हूँ फोल्ड। अब जो इसका लॉक है या क्लिप है, इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं इस पर। ये देखो कुछ इस तरीके से लग गया, और ये दूसरा वाला क्लिप भी है, इसे भी यहीं पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये वायर थोड़ा छोटा है तो इसे हम इधर से ही लगा देते हैं, क्लिप को टाइट करते हुए। ये देखो आपके सामने लगा रहा हूँ, थोड़ा मेहनत लग रहा है लेकिन ये लग जाएगा। ये देखो ये लग चुका है। अब इसे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इसे इस तरीके से प्रेस करो और ये लॉक हो जाएगा। ये देखो ये हो गया लॉक। अब ये हमारा डीसी मोटर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये एयर लेगा या एयर देगा वो तो आपको पता करना होगा टेस्टिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोपेलर को लगा लेते हैं। तो वैसे थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि प्रोपेलर को मुझे पहले लगाना था, लेकिन इसे मैंने पैक कर दिया है। अब इसे हम लगाएंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा प्रेस होगा तो ये टूट भी सकता है। अगर टूटेगा तो मैं फिर से इसे कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। पर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये टूटे ना तो ही ठीक है,
वरना टूट जाएगा तो मेरा मेहनत थोड़ा बढ़ जाएगा। चलो यहाँ पर प्रेस करके लगा लेते हैं ये सब। प्रोपेलर भी हार्ड है और साथ ही यहाँ पर मोटर भी थोड़ा हार्ड है। ये लो, मैंने बोला और ये टूट गया, ये देखो टूट गया है। चलो मैं इसे कर लेता हूँ फिर से। One hour later. अब देखो अब ये हमारा बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अभी इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो फाइनली अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देने वाला हूँ। लेकिन देखो आपको इसे चलाने के लिए सिंपली दो चीजों से आप चला सकते हो, तो डीसी से चला सकते हो या तो एसी से। लेकिन आपको यहाँ पर एसी से चलाने के लिए इस पर चार्जर लगाना पड़ेगा। जो आपके पास स्मार्टफोन होता है उसका चार्जर यूज कर सकते हो। 5 वोल्ट का रन करता है, 9 वोल्ट पर भी ये इजी से रन कर लेगा। लेकिन 9 वोल्ट मत देना क्योंकि मोटर इसके अंदर पर है, तो यहाँ से एयर ये ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। तो देखो मोटर का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा अपोजिट जरूर है, यानी कि ये फिक्स तो नहीं है, यानी सीधा ये नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी है कि आप इससे अच्छी खासी एयर जो है वो ले सकते हो। अब बात करेंगे इसे चलाएंगे हम कैसे। तो देखो कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस वाले इन्वर्टर को बना करके दिखाया था। अब ये इन्वर्टर बोलो या इमरजेंसी लाइट बोलो, दोनों काम करता है। ये इस तरीके से ये रन करेगा और आप इसे 5 वोल्ट भी एसी करंट आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पावर बैंक भी है, यहाँ पर होल्डर भी है। तो चलो मैं फिलहाल आपको होल्डर से चेक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो प्रोपेलर है या डीसी मोटर है, इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन पर ये रन करेगा तो आप यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो आप चेंज भी कर सकते हो। अब इसका स्पेस काफी छोटा है और कैमरा ये यूज नहीं हो पा रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। देख लो भाइयों, अब आपको यहाँ पर पूरा जो इसका सिस्टम है वो आपको दिख जा रहा है। ये इतना बड़ा है कि अगर इस तरीके से मैं रख दूँ तो देखो इसका जो हाइट है वो कितना ऊपर आ जाता है, कैमरे के ऊपर तक ये आ जा रहा है। तो मैं इसे फिलहाल ऐसे रखूंगा और यहाँ से मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। अपोजिट चलेगा, सीधा चलेगा, चलो देखते हैं। तो अभी अगर इसकी डायरेक्शंस की बात करें तो ये परफेक्ट सीधा घूम रहा है। इस पर थोड़ा सा साउंड जरूर सुनाई देगा, लेकिन इसका जो एयर है उसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्लास्टिक का जो पन्नी है वो मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ, जिससे मैं आपको इसका जो एयर है वो मैं आपको चेक करके दिखा सकूँ। तो ये वाला पन्नी है, देख सकते हो। और ये पन्नी अभी देखो मैं आपको इसे चला करके दिखाऊंगा, इसका जो एयर है वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पर इसे रखते हैं, इसे चलते हैं चालू। अब देखो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका एयर है वो काफी तेज है। ये देखो ये पूरे तरह से उड़ जा रहा है, जबकि अगर मैं बंद करूँ तो यहाँ पर देखो बस ये देखो ये रुक चुका है। अब जैसे हम इसे चालू करते हैं तो यहाँ पर इसका जो एयर है वो आप देखो, आपको मैं हर तरीके से चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखो काफी अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। अगर बात करें कि कितना देर चलेगा तो वो आप बैटरी यूज करोगे उस पर डिपेंड करता है। ये बैटरी आप कितना हाई क्वालिटी का यूज करते हो, अगर छोटी बैटरी यूज करते हो तो आपको यहाँ पर लगभग आधा घंटा का बैकअप देखने को मिलेगा, यानी कि 1 एच पर। और अगर आप यहाँ पर 3 एच की बैटरी लगा देते हो या 3000 mAh की बैटरी लगाते हो तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर ये आपको बनाना है तो जरूर से बना लेना, लेकिन नीचे कमेंट करना कि आपको ये कैसा प्रोजेक्ट लगा है। और वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे और भी लोग इसे देख करके बना सके। तो चलो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू समर सीजन के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।